हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, ऐसे काम की वीडियो लेके आया हूँ जो हम इसको नई सीरीज से शुरू कर रहे हैं। अभी मैं हर महीने में एक बार ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा और इन वीडियो में आपको बताऊंगा अपकमिंग मोबाइल। तो पहला जो मोबाइल है जो नवंबर ऑफ फर्स्ट को यानी 1 नवंबर को रिलीज़ हो चुका है, बाज़ारों में बिकने आ चुका है, अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ईज़िली, उसका वो है लिनोवो Z5 Pro। जी हाँ दोस्तों, लेनोवो ने अपना Z5 Pro लॉन्च कर दिया जिसकी डिस्प्ले है 6.45 HD, प्रोसेसर है SD845, कैमरा है 16+20 मेगापिक्सल रियर में और 25 का फ्रंट में। और फ्रेंड्स ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं ये है सैमसंग A9। फ्रेंड्स ये पहला क्वाड कोर क्वाड कैमरे वाला फ़ोन है, इसकी डिस्प्ले होगी 6.3 FHD, प्रो सेम होगा ST660। कैमरा है इसमें फ्रेंड्स, में 4 कैमरे हैं पीछे। पहला कैमरा 24, 8, 10 और 5 मेगापिक्सल रियल कैमरा, 24 का फ्रंट कैमरा और बैटरी कैपेसिटी है इसकी 38 mAh की। और फ्रेंड्स जो तीसरा फ़ोन अभी आपके सामने फ्लैश हो रहा है फ्रेंड्स, ये फ़ोन है Redmi 6 Pro। Redmi 6 Pro भी जल्दी में लॉन्च हो चुका है, अमेज़ॉन पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारे फ़ोन्स डिटेल से देखने को और ख़रीदने का मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर जाइए नीचे। इसकी अगर हम बात करें तो डिस्प्ले 6.26 FHD, प्रोसेसर है सेम ST636, कैमरा 12+5 और रियर का 20+2 यानी कि 222 और बैटरी है 4000 mAh की। दोस्तों इंडिया का पहला 5G फ़ोन लॉन्च हो चुका है, हुवाई कंपनी ने इसका फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है बॉम्बे की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इस फ़ोन की जो कुछ खूबी मुझे मालूम पड़ी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। इसकी डिस्प्ले 6.39 HD वाली मिलेगी आपको, प्रोसेसर इसमें मिलेगा क्रीन का जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, तो इस फ़ोन को ज़रूर देखिए डिस्क्रिप्शन में जाके। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट।